नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मुख्तार अंसारी, ये नाम पिछले काफी समय से चर्चाओं में है। इसके चर्चाओं के पीछे की वजह है उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए योगी सरकार ने ऐसा बीड़ा उठाया कि बार बार उसे बचाने वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और उसे यूपी भेजना ही पड़ा। अब यूपी शिफ्ट होते ही उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उसकी रातों की नींद हराम हो गई है। दरअसल पंजाब में जिस माफिया मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी, उसे व्हीलचेयर पर लाया जाता था। बताया जाता है कि वो बहुत बीमार है, चल भी नहीं सकता, लेकिन 13 घंटे बाद जब वो यूपी के एक थाने में लाया गया तो पुलिस के डर से अपने पैरों पर चलने लगा। यानी 2 साल से जो अपराधी बीमारी का बहाना बनाकर कानून का मजाक उड़ाते हुए बच रहा था, वो सिर्फ 13 घंटे में ठीक भी हो गया। इसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सरकार ठान ले तो बड़े से बड़ा अपराधी सीधा हो सकता है। प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन मुख्तार इन दिनों मच्छरों से बेहद परेशान है और जब से यहाँ पर आया है वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में सिर्फ मच्छरों से ही नहीं परेशान है, बल्कि गर्मी ने भी उसे परेशान कर रखा है। एक ओर गर्मी बढ़ रही है तो दूसरी ओर जेल में मच्छरों का आतंक इस कदर है कि मुख्तार 2 दिन जेल में रहने के दौरान ठीक से सो भी नहीं सका। मच्छरों के अलावा गर्मी ने भी जीना मुहाल कर रखा है। पंजाब की तुलना में यूपी की बांदा जेल का तापमान 10 डिग्री ज्यादा है। ऐसे मुख्तार का गर्मी से बुरा हाल है। पंजाब की जेल में मुख्तार को तमाम तरह की सुविधाएं भी मिली हुई थी, लेकिन यहाँ बांदा जेल में उसे आम कैदियों की तरह रहना पड़ रहा है। बांदा जेल में मुख्तार किसी तरह से अपने लोगों से संपर्क भी नहीं कर पा रहा है, यही नहीं बल्कि सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी उस पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि बुधवार तड़के मुख्तार अंसारी को एक एम्बुलेंस में सड़क मार्ग से पंजाब से बांदा जेल लाया गया था। मुख्तार अंसारी के साथ पुलिस बलों का बड़ा काफिला था जो बाहुबली को लाने यूपी से पंजाब गया था। पुलिस ने करीब 900 किलोमीटर की यात्रा की और 16 घंटे के सफर के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया। इस सफर में पुलिस ने 3 बार रूट बदले थे। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ 54 मुकदमे दर्ज हैं और 15 मामलों में ट्रायल चल रहा है। हर बार ऐसे ही बहाने बनाकर झूठ बोलकर वो बचता आया है, कानून के साथ धोखा करता है, लेकिन इस बार वो अपने ही बनाए झूठ के जाल में फंस चुका है और इतना बुरा फंसा है कि उसकी दिन का चैन और रात की नींद उड़ी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।